जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सृष्टि ज्ञान में आप सबका स्वागत है। चलो एक और कुंडली का हम अध्ययन करते हैं। ये जो जन्म कुंडली है ये गौरव कुमार छाबरा जी की वाइफ आंचल छाबरा जी की है। गौरव कुमार जी आपने जो डिटेल दी है उसका मैच कीजिए। 20/3/1985 10:50 AM स्थान दिल्ली NCT, ये आपकी डिटेल थी। डिटेल के अनुसार जो जन्म लग्न आया है वृषभ लग्न है, मंगल राहु द्वादश भाव 12वें भाव में अंगारक योग का निर्माण, मांगलिक दोष का निर्माण करते हुए एकादश भाव में मीन राशि में बुध नीच के शुक्र उच्च के सूर्य के साथ युति बनाकर बैठे हुए हैं। गुरु नवम भाव में मकर राशि में नीच के ऊपर बैठे हैं। भाव बली तो हैं लेकिन नीच के हैं। शनि सप्तम भाव में दिग्बली होकर बैठे हैं वृश्चिक राशि में। कुंभ राशि दशम भाव में चंद्रमा विराजमान, अर्थात इनकी राशि कुंभ है। इनका जो लग्न है 25 डिग्री का है, अर्थात वृद्धावस्था की तरफ अग्रसर इनका लग्न है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को इनका जन्म हुआ था। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की हम बात करें मतलब जो चंद्रमा है वो निर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और इनके प्राक्रम में बनते हैं चंद्रमा। वृषभ राशि में उच्च के होते हैं चंद्रमा, तो चंद्रमा का रोल इनके जीवन में काफ़ी अहम होगा। एनर्जी लेवल जो है वो कम ज़्यादा होता रहेगा। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है तो इनकी भी एनर्जी इंक्रीज होगी, कृष्ण पक्ष की तरफ जाते हैं तो घटता है, तो इनकी इंक्रीज डिक्रीज होगी, घटेगी। तो एनर्जेटिक रहना इनको चाहिए। योगासन है, प्राणायाम है, मतलब एक्सरसाइज अगर ये करते हैं तो इनके अंदर एनर्जी मेंटेन रहेगी, जो इनके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। बुध की महादशा है 12/1/2035 तक, केतु की अंतरदशा 6/6/2021 तक। बुध इनके पंचमेश बनते हैं जो कि नीच के ऊपर बैठे हैं ज्येष्ठ सप्तम भाव में, और अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं, पंचम भाव को देख रहे हैं, जहाँ ये पंचम भाव में कारक होते हैं और कन्या राशि के लिए भी कारक होते हैं, और द्वितीय भाव यानी मिथुन राशि के भी ये स्वामी हैं। तो द्वितीय भाव और पंचम भाव की दशा चलती हुई, केतु भी उसके हिसाब से ही फल देते हैं जिस ग्रह की महादशा हो, क्योंकि इनके खुद के शीश नहीं होता। बुध बुद्धि के कारक, वाणी के कारक, व्यापार के कारक, दाम्पत्य जीवन के भी कारक हैं, लेकिन नीच के होकर बैठे हैं उसके शुक्र के साथ, नपुंसक ग्रह कहलाते हैं। तो एक तो इनके आप साथ रहिएगा, दूसरा कभी कभी इनकी जो इनके बुध की दशा चलती है वो बच्चा बुद्धि करते हैं, तो इनको प्यार से प्रेम से समझाइएगा, क्योंकि जैसे छोटे बच्चे को हम अगर डांटते हैं फटकारते हैं तो वो डर जाता है, लेकिन मन के अंदर थोड़ी बहुत घृणा हो ही जाती है, तो उसको समझने की आप कोशिश करिएगा। इनसे बोलिएगा कि टीचिंग फील्ड इनके लिए फ़िलहाल बहुत ज़बरदस्त है, स्कूल आदि में कॉलेज आदि में बहुत अच्छे चांस हैं, आप पढ़ाइए इनको, और इनको जो लाभ मिलेगा। अभी मकर राशि में शनि है, गुरु नीच के बैठे हैं, और कुंभ राशि में जैसे ही शनि प्रवेश करेंगे तो इनको अद्भुत लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। शनि सप्तम भाव में बैठे हैं तो व्यापार में चौतरफा लाभ देंगे, लेकिन कुंभ राशि में आने के बाद। इनसे बोलिएगा मंगल और राहु का अंगारक योग 12वें भाव में है, तो वाणी का इस्तेमाल
बहुत मधुर उसमें करें। बच्चों से व्यवहार अच्छा रखें, बच्चों को कोई ना कोई जैसे पेन है, कॉपी है, चॉकलेट है आदि देना चाहिए, इससे अद्भुत लाभ मिलता है। आप दोनों कुत्ते को रोटी अवश्य दें, गाय को दूध में काले तिल मिलाकर अवश्य खिलाएं गाय को, और हरा चारा डालें तो वो अच्छा रिजल्ट देता है। इनसे कहिएगा संकटनाशक गणेश स्तोत्र का पाठ इनके लिए लाभदायक रहेगा टीचिंग के फील्ड में। जैसे ही शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो कपड़ों से संबंधित काम भी इनके लिए आपके लिए अद्भुत रहेगा। आप दोनों यदि भगवान गणेश की आराधना करते हैं, बुधवार के दिन दोनों मिलकर व्रत करते हैं, दोनों मिलकर व्रत की कथा सुनते हैं, दोनों मिलकर यदि व्रत का जो बुध का मंत्र है ओम राम ब्रीम ब्राउन सह बुधाय नमः, दोबारा सुनिए ओम राम ब्रीम ब्राउन सह बुधाय नमः, इस मंत्र का जाप एक माला, तीन माला, पाँच, सात, ग्यारह, जो भी आपकी शक्ति हो, जितना भी आपके पास समय हो, अवश्य करना चाहिए। इससे भी आपको व्यापार में, आपके जीवन में अतुलित धन सफलता भी बढ़ेगी और खुशियां भी बढ़ेगी। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ दोनों करें। गणेश जी को बुधवार के दिन जिस दिन आप व्रत करें उस दिन आपको गणेश जी को दो लड्डुओं का भोग लगाना है। लड्डू दो इन्हें चाहिए, बेसन के हों, मोतीचूर के हों, कैसे भी हों, लड्डू दो होने चाहिए। और दुर्वा घास जो है 11 21 51 टुकड़े दुर्वा घास के अच्छे गंगा जल में धोकर आप गणेश जी को चरणों में अर्पित कीजिए, फिर आपकी समस्याओं का अंत तुरंत। बुधवार के दिन कभी कभी जो गणेश जी का श्रृंगार होता है, सिंदूर है, माली पन्ना है, वो आप बुधवार के दिन अवश्य दान कीजिए। व्रत जरूर रखिएगा 11 21 51 यथाशक्ति अनुसार। बच्चों को प्रेम देना जरूरी है। यदि बच्चे आपके पास में प्रेम के साथ आते हैं, प्रेम से रहते हैं, तो बुध आपको अच्छा रिजल्ट देगा। किन्नर को यदि दान किया जाए, पानी है, हरी सब्जियां हैं, तो भी बुध अच्छा रिजल्ट देता है। सोने की पॉलिश किया हुआ कड़ा हाथ में पहनने से भी बुध अच्छा रिजल्ट देता है। गोमूत्र का सेवन करने से भी बुध अच्छा रिजल्ट देता है। और इनका गायत्री मंत्र अवश्य करवाइए, क्योंकि मंगल राहु का अंगारक योग है और बृहस्पति जी नीच के होकर बैठे हैं, तो गायत्री मंत्र अवश्य इनसे जाप करवाइएगा, फिर देखिएगा ये आपकी कैसे मदद करते हैं, कैसे खुशियाँ आपके घर में आती हैं। आगे हरी इच्छा, फिर मिलेंगे नई कुंडली के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।